जनपद संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जनपद संभल की सदर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एग्रेस तिराहे के पास गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। इस विषय में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक अपराधी बाइक पर सवार होकर एग्रेस तिराहे की तरफ से गुजर रहा है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करके इसे रोकने का प्रयास किया तो आकिल नाम के गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आकिल नाम का अभियुक्त भी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि इसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। जबकि घायल पुलिसकर्मी और मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शस्त्र तथा बाइक भी बरामद हुई है। ये एग्रेस तिराहा के पास में आज चेकिंग चल रही थी यहाँ पे जनपद संभल में, और इसमें सूचना मिली कि एग्रेस तिराहा के पास में एक अपराधी आ रहा है। इस पर घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसमें पुलिस ने फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और एक अपराधी घायल हुआ। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, उसकी तलाश कॉम्बिंग जारी है। और जब ये बाद में पता किया गया तो ये आकिल सनाफ छोटू मदाला का रहने वाला गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था। सीएसएफ में लगातार ये अपराध कर रहा था। अभी इसको हॉस्पिटल भेजा गया है और कांस्टेबल को भी हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी इसके साथी की कॉम्बिंग जारी है। इस क्षेत्र में जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी लगातार।